हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोमिस्तान। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ब्रेस्ट पंप होते क्या हैं और कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट पंप कितने तरीके के आते हैं, मार्केट में कैसे ब्रेस्ट पंप अवेलेबल हैं और आप अपने लिए कैसे डिसीजन लें कि सही ब्रेस्ट पंप कौन सा है ये चुनने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट पंप होती है मशीन जो आपको मिल्क एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होती है, यानी कि आप अपना दूध ब्रेस्ट पंप की मदद से निकाल सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, उसे बेबी को जब चाहे तब पिला सकते हैं या कोई और व्यक्ति भी बेबी को पिला सकता है। तो बेसिकली ब्रेस्ट पंप में होता है ब्रेस्ट शील्ड, जो कि एक फनल शेप में एक होता है कप, जो कि फिट हो जाता है ब्रेस्ट पर, और जो पंप होता है वो वैक्यूम क्रिएट करके प्रेशर इस तरीके का क्रिएट करता है कि बेबी की सक्लिंग जो प्रोसेस होती है, बेबी जिस तरीके से सक करता है उसको इमिटेट करता है और वो वैक्यूम से, उस प्रेशर से मिल्क एक्सट्रैक्ट होने में मदद मिलता है। तो ब्रेस्ट पंप मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, मैनुअल ब्रेस्ट पंप एज वेल एज इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। मैनुअल ब्रेस्ट पंप जो होता है वो हाथ से, जैसा कि इसका नाम है, वो हाथ से ऑपरेट किया जाता है। इसमें आप हैंडल को दबाकर पंपिंग करते हैं। तो जैसे भी मैनुअल ब्रेस्ट पंप आते हैं जो बिल्कुल मतलब आपको अगर मिल्क स्टोर वगैरह नहीं करना, मतलब आपको इंगॉर्जमेंट से रिलीफ इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए चाहिए या एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो शुरुआती जो थोड़ा सा मिल्क है वो आप निकालना चाह रहे हैं, उस तरीके की सिचुएशन में जो बिल्कुल बजट मैनुअल ब्रेस्ट पंप आते हैं जिनमें पंप दबाने वाला होता है और बहुत ही छोटा सा कंटेनर होता है, उसको आप ले सकते हैं। वो बहुत ही सस्ते में आ जाता है, मतलब करीबन 150-250 से भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उसमें ड्रॉबैक ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ऐसे में आपको एक अच्छा मैनुअल ब्रेस्ट पंप लेना चाहिए अगर आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, स्पेशली अगर हर रोज़ आप निकाल रहे हैं, चाहे वो दिन में 1-2 बार निकाल रहे हैं, तो एक अच्छा मैनुअल ब्रेस्ट पंप अच्छे ब्रांड का आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो अच्छे मैनुअल ब्रेस्ट पंप जो होते हैं वो 600 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक के बीच में आते हैं। आप इन्हें मार्केट से भी ले सकते हैं, फार्मास्यूटिकल स्टोर से, या फिर आप ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आपको मिल जाते हैं ये ब्रेस्ट पंप्स, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं जो आप चेक कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सभी ब्रेस्ट पंप का, जो आप चेक कर सकते हैं। तो मैनुअल ब्रेस्ट पंप पे आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना होता है। एक हाथ से आप ब्रेस्ट शील्ड जो है उसको और अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट करेंगे और दूसरे हाथ से आप पंप को दबाएंगे, तब आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू होगा और जो अटैच कंटेनर है उसमें जमा होना शुरू हो जाएगा। तो मैनुअल ब्रेस्ट पंप अच्छे होते हैं ओकेजनल यूज़ के लिए, कभी कदार आपको यूज़ करना है, या इवन आपने अगर अच्छा लिया तो आप हर रोज दिन में 1 से 2 बार ही यूज़ करें तो ये आपके लिए ठीक है। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चाहिए, जैसे कि अगर आप वर्किंग मदर हैं या आपके ट्विंस बेबी हैं, या बहुत सारी सिचुएशन होती है जिनमें माएँ ब्रेस्ट फीड बिल्कुल सक्सेसफुली करा नहीं पाती हैं, आप सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क लेकिन पिलाना चाहते हैं तो पंपिंग पे डिपेंडेंट है, तो वैसी सिचुएशन में आपको मैनुअल ब्रेस्ट पंप नहीं खरीदना चाहिए। आपके लिए सुटेबल होता है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल ब्रेस्ट पंप। पंपिंग जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट उसमें मिलता है, मतलब कम समय में आपको ज़्यादा आप आउटपुट निकाल सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पंप में भी वैरायटी होती है, जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप होते हैं जो कि आप एक बार में एक ही ब्रेस्ट पर लगा के आप ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रिक पंप 3 से 5000 या उससे ज़्यादा प्राइजेस में आते हैं। और इसके अलावा डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप होते हैं जो जिनमें 2 कंटेनर बॉटल्स होती हैं अटैच, मतलब कि 2 पंप को आप एक साथ दोनों ब्रेस्ट पे अटैच करके एक ही टाइम में आप दोनों ब्रेस्ट से मिल्क एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जो माएँ एक्सक्लूसिवली पंपिंग कराना चाहती हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में आपको निकालना है ब्रेस्ट मिल्क और आपके पास टाइम नहीं है, तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट के लिए सिंगल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप से भी अच्छा होता है डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। लेकिन क्योंकि ये डबल होता है इसलिए इसका प्राइस भी डबल होता है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की कंपैरिजन में प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 5 से 7 हज़ार स्टार्टिंग प्राइस के कुछ ब्रांड भी आपको मिल जाएंगे। इसी के अलावा 10 से 20 हज़ार के बीच में भी आपको अच्छे ब्रांड्स के डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप मिल जाएंगे जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और वैरायटी होती है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, वो हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप्स होते हैं। हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप भी इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप ही होते हैं, लेकिन वो उनका मोटर जो होता है, उनका पंप जो होता है बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है। सक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और बेबी की सकलिंग को बहुत अच्छे से इमिटेट करके ज़्यादा आउटपुट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन करवा पाता है। तो हॉस्पिटल ग्रेड पंप का ड्रॉबैक ये है कि बहुत बल्की होते हैं, हैवी होते हैं, आप इतने पोर्टेबल नहीं होते, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिस वजह से आप बेटर ये रहेगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप पे तो सिंगल या डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप ही आप लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप फॉरेन कंट्रीज़ में कई हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं जहाँ पर मेटर्निटी वार्ड वगैरह होता है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं है। बट आप अपने हॉस्पिटल में चेकआउट कर सकते हैं, इनकेस अगर नीड हो तो। हॉस्पिटल ब्रेस्ट पंप जो होता है वो रेंट पे भी कहीं कहीं अवेलेबल होता है। कुछ दिनों का यूसेज अगर है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, वो सब आपको हेल्प चाहिए तो उसमें हॉस्पिटल ग्रेड पंप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना खरीदना है तो मैनुअल या इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड नीड आप उसी को खरीदें रादर देन गोइंग फॉर अ हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप। इसके अलावा आपको ब्रेस्ट पंप खरीदते हुए ये भी ध्यान रखना है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छे ब्रांड, कोई रिनोन्ड कंपनी जो है जो ब्रेस्ट पंप्स बनाती हैं और मार्केट में उनका नाम है, वैसी कंपनीज का खरीदे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बिकॉज आप इन्वेस्ट कर ही रहे एक अच्छा अमाउंट, तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो अच्छी BPA फूड ग्रेड प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, उनके पार्ट्स जो हैं जो भी ब्रेस्ट पंप के वो नॉन टॉक्सिक हैं। और ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट अगर आप करने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कॉस्ट को लेकर कि बहुत कॉस्टली होते हैं आपको लगता है, तो ये बात आप याद रखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, फॉर्मूला देने की सोच रहे हैं तो फॉर्मूला पे जो कॉस्ट पड़ता है, मतलब कि एक फॉर्मूला का टिन जो आता है वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव आता है। हर महीने में आपको 2 कम से कम या 3 टिन्स भी लग जाते हैं, तो उस पर हर महीने जितना कॉस्ट आता है और आप जब उसको 1 साल तक कम से कम या 2 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो उस पर टोटल कॉस्ट जितना आएगा उससे कहीं ज़्यादा कम कॉस्ट आपको ब्रेस्ट पंप पर आएगा। अगर आप ब्रेस्ट पंप पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। ऑफ कोर्स इससे आपको ब्रेस्ट मिल्क जो होता है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल और सर्वोत्तम माना जाता है बेबी के लिए, वो आप अपने बेबी को पिला सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और जितने भी ब्रेस्ट पंप की वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं मैनुअल एज वेल एज इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के, सिंगल इलेक्ट्रिक एज वेल एज डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के, वो सारे मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूँगी जो आप चेक करके वहाँ से खरीद सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।